कौशल्या प्लाजा स्थित चाणक्य आईएएस एकेडमी सभागार में आगामी 9 जून से सुबह 9 बजे से कौशल्या प्लाजा स्थित चाणक्य आईएएस एकेडमी सभागार में आगामी 9 जून को सुबह 9 बजे से करियर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी यह सेमिनार मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल ज्ञान अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन काबिलियत विकसित करना भी अहम है। चाणक्य आईएएस एकेडमी में निशुल्क करियर सेमिनार का आयोजन 9 जून को। 12वीं की उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा करियर सेमिनार, कहा सक्सेस गुरु एके मिश्रा ने। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने की कला से परिचित कराएंगे सक्सेस गुरु। आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे शहर की आवश्यकता नहीं, बल्कि हजारीबाग जैसे शहर से पढ़ाई कर पा सकते हैं सफलता, कहा सक्सेस गुरु एके मिश्रा ने। देखे हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। परसों ही एक अलग तरह का प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ हजारीबाग सेंटर में चाणक्य एकेडमी में, जिसमें एक क्या परिवर्तन स्टूडेंट को चाहिए अपनी सोच में, अपनी ट्रेनिंग में, अपने अप्रोच में, जो उनको सक्सेसफुल बनाने में काम आए। तो 12th पास बच्चों को स्पेशली टारगेट किया गया है, ग्रेजुएशन तक जो करें उनके लिए भी टारगेट कर रहे हैं कि उनके अंदर एक ब्रेन का एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ताकि यूपीएससी जेपीएससी के अलावा किसी भी फील्ड में जाएं तो अव्वल कैसे कर सकें, और स्पेशली 3 ईयर कोर्स को टारगेट करके कैसे बच्चे जो है कॉलेज के टाइम को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल सदुपयोग करते हुए अपने अंदर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व का विकास, अपने अप्रोच में विकास हो, कि जहाँ भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्पेशली यूपीएससी और जेपीएससी के साथ साथ जो भी लाइफ में कुछ अव्वल करना चाहते हैं, मे बी एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बड़ा काम करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो कैसे करेंगे, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करना है। लेकिन उससे पहले लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूँ, और 2013 में जब चाणक्य की लॉन्चिंग यहाँ हजारीबाग में हो रही थी, उसमें मैंने एक वादा किया था गांधी मैदान से कि हजारीबाग को नंबर 1 देखना चाहता हूँ एजुकेशन में। अब एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ लॉकडाउन के समय भी काफ़ी रिसर्च डेवलपमेंट जो किया, वो मैं चाहता हूँ कि हजारीबाग में उसका सही उपयोग किया जाए, डेवलप किया जाए, और उसके साथ साथ एक ऐसा करिकुलम डेवलप करें जिससे बच्चों का जो सजेशन ना हो कि कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव थॉट रहो, बल्कि उसके स्वभाव में ही आ जाए, वो सारी क्वालिटी जो कि नेचुरल उसके अंदर आ जाए, और उसके आधार पर वो कोई बड़ी सोच और बड़ा काम करने के लिए और स्पेशली यूपीएससी और जेपीएससी में बड़े रिजल्ट बना सके। अच्छा, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसमें किस एज के बच्चों को या कौन से क्लास के बच्चों को शामिल किया है? स्पेशली 12th में जो पढ़ रहे हैं या 12th जो पास करने से लेकर के ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। 17-18 साल से लेके 25 साल की उम्र के बीच में कोई भी इसमें भाग ले सकता है और उसमें इसका फायदा उठा सकता है। सर, झारखंड के एजुकेशन को आप अब तक लेके जाना चाहते हैं, तो क्या इसकी आवाज़ संसद भवन में गूंजना चाहिए, आप जैसे लोग को संसद में रहना चाहिए? देखिए, हमारा होना जरूरी नहीं, अच्छा है कि अभी एक अच्छे नेता चुने गए हजारीबाग से, मनीष जायसवाल जी हैं, हम उनके शुरू से आपस में बातचीत करते रहे, शुभचिंतक हैं, जाना जरूर चाहिए कि झारखंड में होना चाहिए, तो हमारे जो लोग प्रतिनिधि उनके माध्यम से पहुंचाएंगे, उसके लिए खुद जाना जरूरी नहीं, लोगों के माध्यम से सब पहुंचाएंगे। हम तो एक शिक्षक हैं और हमें शिक्षक ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो कोई रिटायरमेंट होता है, ना कोई चीज़ें हैं, अपने ज़िंदगी के आखिरी छोर तक अब्दुल कलाम जी जैसा आप पढ़ाते रह सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं। तो मैं रिटायर नहीं होना चाहता अपने काम से, मैं अपने काम में लगा रहना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत पुरानी समय में 15-20 साल पहले ये सिचुएशन था कि जहाँ सुविधाएं नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, इतना ज़्यादा मीडिया और कॉन्शसनेस नहीं था, बुक्स नहीं थे। लेकिन आज के दिन में ये बिल्कुल भ्रम है कि कोई दिल्ली जाएगा तो आईएएस बनेगा या कोटा जाएगा तो इंजीनियर बनेगा, उसको सब के सब अपने शहर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। इस बार का यदि आप रिजल्ट देखें यूपीएससी का, तो जिन लोगों का मैक्सिमम रिजल्ट बना है वो दिल्ली में रहते ही नहीं थे, ना वहाँ कोचिंग लिया, सब बाहर में अपने अपने क्षेत्रों में रह के, अपने स्टेट में रह के, अपने घर में रह के पढ़ाई की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भ्रम को निकाल दें कि दिल्ली जाएंगे तब आईएएस बनेंगे या यूपीएससी में जाएंगे या बाहर जाएंगे तो एजुकेशन होगा। आज के दिन में सारी सुविधाएं आपके साथ है, और चाणक्य जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब आपके यहाँ दिल्ली से चलकर आप ही के बीच में आ गया है, रहता है,
तो बेटर है इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।